हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सहोस ऑफ सॉल्यूशंस पर, और आप देख रहे हैं हमारा एंगुलर 8 का फुल ट्यूटोरियल। अगर आप भी चाहते हैं कि एंगुलर डेवलपर बनना तो आज ही ज्वाइन कीजिए हमारा ऑनलाइन क्लास, जिसमें हम आपको देते हैं एक कॉर्पोरेट लेवल की ट्रेनिंग, जिसमें बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक एंगुलर की ट्रेनिंग दी जाती है। और साथ ही साथ हम आपको लाइव प्रोजेक्ट पर भी ट्रेनिंग देते हैं, जिसके लिए आपको हमारे वेबसाइट sahosoft.com पर जाना होगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और आप उस पर क्लिक करके सारे इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं और अपना बैच चूज कर सकते हैं। तो जल्दी कीजिए, आज ही ज्वाइन कीजिए हमारा ऑनलाइन क्लास, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड सीट अवेलेबल है। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें हम ये देखेंगे कि व्यू चाइल्ड क्या होता है, व्यू चाइल्ड का क्या कंसेप्ट होता है एंगुलर 5 के अंदर, और इसको कैसे यूज करते हैं, कितने तरीके से यूज करते हैं। उसी में हम देखेंगे कि व्यू चाइल्ड यूजिंग कंपोनेंट, कि मीन्स कंपोनेंट के साथ कैसे इसका यूज करते हैं, क्या कंसेप्ट होता है, क्यों यूज करते हैं, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है ये आपके लिए, क्योंकि डेवलपमेंट में मोस्टली यूज होता है, हर जगह यूज किया जाता है, और एक अच्छे एप्लीकेशन यूज करने के लिए आपको व्यू चाइल्ड, व्यू चिल्ड्रन के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। अभी हम आपको व्यू चाइल्ड की वीडियो लेकर आए हैं, आगे हम व्यू चिल्ड्रन की वीडियो लेकर आएंगे। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकॉन क्लिक कर लें, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब ऐप और ईमेल में मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। दोस्तों, जब भी हम किसी एंगुलर एप्लीकेशन की बिल्डिंग की बात करते हैं, तो हमें ये चार चीजें जानने की बहुत जरूरी होती है, क्योंकि इन सारे जो जो भी मैं चार चीज आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी एंगुलर एप्लीकेशन के लिए। क्योंकि जब अपना एक एप्लीकेशन बहुत ही बड़ा हो या छोटा हो, तो उसमें कम्युनिकेशन की बात होती ही होती है, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट या फिर डायरेक्टिव को एक्सेस करने की। ये चारों पार्ट ऐसे हैं जो कि मोस्टली एंड वाइडली यूज किए जाते हैं, राइट? जैसे कि व्यू चाइल्ड, व्यू चिल्ड्रेन, कंटेंट चाइल्ड और कंटेंट चिल्ड्रेन, राइट? चाइल्ड और चिल्ड्रेन का तो मतलब आपको समझ में आता ही दोस्तों, कि एक एक सिंगल को नोटिफाई करता है और दूसरा मल्टीपल को नोटिफाई करता है। उस तरीके से मेन डिफरेंस इसमें होता है व्यू और कंटेंट में, राइट? तो अभी हम देखेंगे इस वीडियो ट्यूटोरियल में व्यू चाइल्ड के बारे में, और व्यू चाइल्ड भी एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, इसलिए हम व्यू चाइल्ड को भी अभी इस वीडियो ट्यूटोरियल में केवल कंपोनेंट के साथ यूज करके देखेंगे, आगे हम देखेंगे डायरेक्टिव और वेरिएबल्स के साथ, राइट? तो अभी टेम्पलेट वेरिएबल जो होता है, राइट? तो दोस्तों, अभी हम देखेंगे कि व्यू चाइल्ड को हम कंपोनेंट के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं, राइट? तो दोस्तों, व्यू चाइल्ड आर यूज फॉर कंपोनेंट कम्युनिकेशन इन एंगुलर, मींस कि अगर हम चाहते हैं दोस्तों कि पेरेंट कंपोनेंट से अपने चाइल्ड कंपोनेंट को एक्सेस करें, मींस कि हम ऐसा हमारे पास ऐसा रिक्वायरमेंट होता है, ऐसा रिक्वायरमेंट होता ही है जनरली, कि हम कभी-कभी हमें ऐसा होता है कि पेरेंट कंपोनेंट पर हैं और हमें ऐसा लगता है कि चाइल्ड कंपोनेंट के प्रॉपर्टी मेथड को एक्सेस करना है अपने पेरेंट पर, तो इसको हम यूज में लाते हैं व्यू चाइल्ड को, राइट? तो इसमें होता क्या है दोस्तों, कि एडरेट व्यू चाइल्ड एक डेकोरेटर होता है, वो क्या करता है कि हमारे फर्स्ट एलिमेंट को, जो कि मैच करता है कंपोनेंट के, जो कि हमारा चाइल्ड कंपोनेंट का फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस कर लेता है, ये व्यू चाइल्ड में होता है, राइट? मींस कि वहां पर मल्टीपल कंपोनेंट, मल्टीपल एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन जब भी हम व्यू चाइल्ड यूज करेंगे, तो वहां पर वो फर्स्ट एलिमेंट को ही, जो कि मैचिंग होगा, उसको एक्सेस कर लेगा, राइट? तो इससे क्या होता है दोस्तों, कि जो व्यू चाइल्ड डेकोरेटर होता है, वो हमारे कंपोनेंट के इंस्टांस क्रिएट करता है, दूसरे वाले जो चाइल्ड कंपोनेंट का इंस्टांस क्रिएट करता है पेरेंट में, और उसके थ्रू हम चाइल्ड कंपोनेंट के मेथड प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर लेते हैं इजीली, राइट? तो दोस्तों, इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हम आगे देखेंगे, इसमें प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे किस तरीके से हम करते हैं। मीन्स कि दोस्तों, इफ यू वॉन्ट टू एक्सेस फ्लोइंग इन साइड द पेरेंट कंपोनेंट, यूज व्यू चाइल्ड एट डेकोरेटर ऑफ एंगुलर, मीन्स कि इन थ्री पॉइंट्स को हम पेरेंट कंपोनेंट में एक्सेस कर लेते हैं व्यू चाइल्ड डेकोरेटर को यूज करके, चाइल्ड कंपोनेंट, डायरेक्टिव और डॉम एलिमेंट, राइट? तो चलिए चलते हैं प्रोजेक्ट की तरफ, और इसको अच्छे से हम एग्जाम्पल करके देखते हैं, कोडिंग करके देखते हैं, तब आपका वहां पर कंसेप्ट क्लियर होगा कि हम किस तरीके से चाइल्ड कंपोनेंट के मेथड और प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर लेते हैं पेरेंट कंपोनेंट में, राइट? तो चलिए चलते हैं प्रोजेक्ट की तरफ। तो दोस्तों, ये है प्रोजेक्ट जहां पर हम एग्जांपल करके देखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा दोस्तों, कि दो कंपोनेंट क्रिएट करेंगे,
राइट। तो दोस्तों हम पहला कंपोनेंट क्रिएट कर, जैसा हम सिनेरियो बनाते हैं दोस्तों कि हमें काउंटर का मेथड बनाएंगे, राइट, जो कि मेथड हमारे चाइल्ड पर होगा, जहां पर नंबर को डिक्रीज और इंक्रीज करेंगे काउंटर को, और इसको एक्सेस करेंगे हम पेरेंट पर, राइट। तो इसलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक कंपोनेंट क्रिएट करते हैं जो कि एज ए चाइल्ड यूज करेंगे जिसको। तो उसके लिए जैसे दोस्तों आपको पता है कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए हमें क्या होता है, एन जी, जी फॉर जनरेट और सी फॉर कंपोनेंट, और यहाँ पर हमने लिख लिया काउंटर, और इंटर हिट करेंगे, राइट। तो थोड़ा सा टाइम लगता है, उसके बाद एक हमारा कंपोनेंट क्रिएट होगा जिसमें चार फाइल क्रिएट हो जाएंगे, राइट। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रिएट हो गया है कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल, कंपोनेंट डॉट टी एस, ये दोनों मेन पार्ट होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं काउंटर के अंदर जाकर, यहाँ पर देखिए चार फाइल क्रिएट हो चुका है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, और इसको अपडेट कर देता है एप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस में, राइट। और एक दूसरा क्रिएट करेंगे दोस्तों हम जिस पेरेंट के लिए, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे का एन जी, जी फॉर जनरेट, सी फॉर कंपोनेंट और काउंटर डैश पेरेंट, राइट। इसको भी हम क्रिएट कर लेंगे, अभी थोड़ा सा टाइम लगता है, क्रिएट कर देगा, इसमें भी चार फाइल क्रिएट होंगे, राइट। ये भी क्रिएट हो चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं काउंटर और काउंटर पेरेंट, इसमें भी आप जाकर देखेंगे चार फाइल क्रिएट हो चुका है। अब हम वर्क करेंगे, राइट। तो हम जाएंगे इसमें काउंटर के जो हमारा एच टी एम एल पर, इसका एच टी एस फाइल में जो सिलेक्टर है, राइट, इसको कॉपी करके, राइट, और इसको हम रख लेंगे। सबसे पहला वर्क हमारा होगा काउंटर पेरेंट में जाकर इसके एच टी एम एल पर इस सिलेक्टर को यूज कर लेंगे, राइट। और यहाँ पर हम यूज करेंगे तो तब ये क्या होगा हमारा, कि ये हमारा पेरेंट हो जाएगा, राइट। इसके सिलेक्टर को हम यूज करेंगे यहाँ पर, राइट। तो ये हमारा हो गया, और इसका जो हमारा ये काउंटर है, जो हमारा पेरेंट है, इसके सिलेक्टर को हम ऐप में रख लेंगे, राइट। यहाँ पर इसको हम कॉपी करेंगे और इसको हम ऐप में, ऐप डॉट मॉड्यूल यहाँ पर है, ऐप डॉट मॉड्यूल, ऐप डॉट कंपोनेंट एच टी एम एल, और यहाँ पर हम इसको रख लेंगे, राइट। इसको कॉपी करके और डबल टाइप करेंगे, ये हो गया, राइट। तो यहाँ पर इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, कि अब ये तो हमारा हमने रिलेशन बनाया, राइट, कि मीन्स कि ये काउंटर है, ये चाइल्ड बन गया पेरेंट का, और इसका सिलेक्टर इसमें डाल दिया ताकि जब, क्योंकि सबसे पहले तो यही लोड होता है, तो इसको लोड कर देगा, राइट। तो इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, कि हम चलेंगे चाइल्ड में, जो ये काउंटर हमारा चाइल्ड है, इसके ऐप डॉट कंपोनेंट टी एस फाइल में हम यहाँ पर यूज करेंगे, दो मेथड बनाएंगे। तो सबसे पहले काम करते हैं, यहाँ पर हम दो वेरिएबल ले लेते हैं, राइट, और यहाँ पर हम लिखेंगे कि मैसेज, राइट, और इसको एज ए स्ट्रिंग लेंगे, और इसमें हम एम्प्टी असाइन कर लेते हैं कि अभी कुछ भी नहीं, राइट। फिर उसके बाद हम काउंट लेंगे एज ए नंबर, और इसमें हम जीरो असाइन कर दिए, राइट। अब उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे कि यहाँ पर फंक्शन बनाएंगे, मेथड इंक्रीज, इंक्रीज बाई वन, राइट। और इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, कि यहाँ पर हम लिखेंगे दिस डॉट काउंट इक्वल टू दिस डॉट काउंट प्लस वन, राइट। मीन्स कि हम काउंट को एक एक करके इंक्रीज कर रहे हैं, राइट। अब इसको हम प्रिंट भी कराना होगा हमें, दिस डॉट मैसेज इक्वल टू, यहाँ पर मैसेज लिख लेंगे, काउंटर लिख लेते हैं काउंटर, और यहाँ पर प्लस करके यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे काउंट, दिस डॉट काउंट, दिस डॉट काउंट, राइट। तो ये हमारा एक मेथड बन गया, ये हमारा इंक्रीज बाय वन हुआ, राइट। और एक अगला मेथड बनाएंगे हम यहाँ पर डिक्रीज बाय वन, राइट। और इसमें भी हम सेम वर्क करेंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे दिस डॉट काउंट इक्वल टू दिस डॉट काउंट माइनस वन, राइट। फिर लिखेंगे दिस डॉट मैसेज इक्वल टू, यहाँ पर काउंटर, यहाँ पर इंक्रीज करने के लिए हमने लिखा काउंट, दिस डॉट काउंट, राइट।
तो ये हमारा दो मेथड बन गया, और इस मैसेज को भी तो हमें बाइंड करना होगा, राइट। तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, इसके HTML में जाएंगे, ऐप डॉट इसमें, और यहाँ पर हम यहाँ पर ले लेते हैं S3, और इसके अंदर हम इंटरपोलेशन के थ्रू बाइंड कर लेते हैं मैसेज को, राइट। तो ये हमारा एक वर्क हो गया जी, कि हमने चाइल्ड का काम कर लिया, राइट। कि हमने क्या किया दोस्तों, चाइल्ड में यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने दो मेथड बनाया, और दो एक मेथड को हम कॉल करेंगे तो हमारे अकाउंट को एक इंक्रीज कर देगा, दूसरे को कॉल करेंगे तो एक डिक्रीज कर देगा। और इसका हम डिस्प्ले कहाँ पर करा रही है, इसके HTML पर, यहाँ पर हमने बाइंड कर लिया। अब इन दोनों मेथड को हम चाहते हैं कि हम पेरेंट पर एक्सेस कर लें, तो वहां पर हमारा व्यू चाइल्ड सीन में आता है, राइट। मींस कि ये जो मेथड है दोस्तों, ये चाइल्ड पर है, और इसको यूज करना है हमें पेरेंट कंपोनेंट में, राइट। तो वहां पर हम व्यू चाइल्ड से इजीली एक्सेस कर लेते हैं इसके मेथड को, राइट। तो हम चलेंगे पेरेंट कंपोनेंट पर, यहाँ पर पेरेंट कंपोनेंट काउंटर डॉट पेरेंट है, इसके TS फाइल पर जाएंगे, राइट। और इस पर हम सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर हम क्या करें कि यहाँ पर यूज करेंगे व्यू चाइल्ड, राइट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे व्यू व्यू चाइल्ड, और इसके अंदर हम इसको असाइन कर लेंगे, जो कि हमारा चाइल्ड है उसके कंपोनेंट को, राइट। इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर आएंगे, और इसको हम यहाँ पर रख लेंगे, राइट। इसके बाद इसका हम एक वेरिएबल बनाएंगे, यहाँ पर हमने मान लो इसी नेम से वेरिएबल बनाया, राइट। और किस टाइप का होगा हमारा, इस कंपोनेंट टाइप का, राइट। और यहाँ पर हम सेमी कॉलन लगाएंगे, इसको हमें इंपोर्ट करना होगा, राइट। यहाँ पर हमारा इंपोर्ट हो जाएगा ये, इसके बाद, और हमें ये व्यू चाइल्ड को भी दोस्तों हमें कोर लाइब्रेरी से इंपोर्ट करना होगा यहाँ पर, राइट। यहाँ पर हम इंपोर्ट कर लेंगे व्यू चाइल्ड, राइट। तो फिर ये एरर चला जाएगा, राइट। इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, कि यहाँ पर भी दो मेथड बनाएंगे, और इन दोनों मेथड को हम इसके HTML पर जो दो बटन बनाएंगे उस पर कॉल कर लेंगे, राइट। और इस मेथड के थ्रू, जो मेथड यहाँ बनाने जा रहे हैं, इस मेथड के थ्रू मीन्स कि इस मेथड के अंदर हम चाइल्ड के मेथड को कॉल करेंगे, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों मान लो हमने लिख लिया इंक्रीज, और इस मेथड में हम क्या करेंगे कि दिस डॉट यहाँ पर काउंटर कंपोनेंट डॉट इंक्रीज बाय वन, राइट। इसको हम कॉल कर लेंगे, राइट। इसी तरीके से हम दूसरा एक और मेथड बनाएंगे यहाँ पर डिक्रीज, राइट। और इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे कि दिस डॉट यहाँ पर काउंटर कंपोनेंट डॉट डिक्रीज बाय वन, इसको कॉल कर लिए, राइट। मींस कि हमारा ये वर्क, हमने क्या किया दोस्तों कि आप यहाँ पर देख सकते हैं व्यू चाइल्ड के थ्रू हमने काउंटर कंपोनेंट का इंस्टांस बनाया, और यहाँ पर इसके इंस्टांस के थ्रू हमने उसके मेथड को, चाइल्ड कंपोनेंट के मेथड को हमने यहाँ पर एक्सेस कर लिया, इजिली एक्सेस हो गया, कॉल कॉल कर लेंगे, राइट। अब इसको हम इस मेथड को कॉल करेंगे इसके HTML के बटन पर, राइट। तो दोस्तों चलिए इसके HTML पर पेज पर चलते हैं, यहाँ पर पेरेंट डॉट कॉम्पोनेंट HTML पेज, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि H4, और यहाँ पर हम लिख लेंगे कि यूजिंग व्यू चाइल्ड एग्जाम्पल, राइट। और यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे कि अब यहाँ पर दो बटन लेंगे, बटन टाइप बटन, राइट। और यहाँ पर हम इसका एक क्लिक इवेंट बनाएंगे, राइट। और इसमें हम कॉल कर लेंगे इस मेथड को, इसके मेथड को जो हमने अभी बनाया इंक्रीज, कॉपी कर लिया यहाँ से, और हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर रख लेंगे, राइट। और इसको हम क्लोज करेंगे और यहाँ पर लिख लेंगे इंक्रीज, राइट। इसी तरीके से दोस्तों एक और बटन लेंगे, इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर हम लेंगे डिक्रीज, और यहाँ पर जो हमारा होगा
ये मेथड कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे ताकि नेमिंग कन्वेंशन में कोई इश्यू ना हो। राइट, इस मेथड को कॉल कर लेंगे। राइट, और यहाँ पर एक हम br लगा लेते हैं ताकि हमारा ये नीचे शो हो। राइट, तो हमने यहाँ पर कॉल कर लिया मेथड को, जो कि मेथड हमारा कॉल कर रहा है चाइल्ड कंपोनेंट के मेथड को। राइट, तो इसको एक चीज, लास्ट थिंग ये चीज है कि दोस्तों कि जो भी क्लिक इवेंट बनता है एक ब्रैकेट के अंदर आता है, तो इसको हम ब्रैकेट के अंदर रख लेंगे, ये मिस हो रहा था, और यहाँ पर इसको भी हम ब्रैकेट के अंदर रख लेंगे। राइट, अब इसको हम सेव करके ब्राउजर में देखेंगे। राइट, तो इससे पहले मैं एक बार फिर ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमने क्या किया क्या है दोस्तों, कि हमने अपने जो कि चाइल्ड कंपोनेंट है उस पर हमने दो मेथड बना रखा है, इंक्रीज बाई वन और डिक्रीज बाई वन। राइट, और इसको हम एक्सेस कर रहे हैं पेरेंट कंपोनेंट पर। राइट, पेरेंट कंपोनेंट पर हम इसको एक्सेस कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको हम यहाँ पर इंक्रीज के अंदर दिस डॉट कंपोनेंट डॉट इंक्रीज बाई वन कर रहे हैं। राइट, तो मीन्स कि दोस्तों हमने यहाँ पर व्यू चाइल्ड के थ्रू यहाँ पर हमने इंस्टांस बनाया, और इस इंस्टांस के थ्रू हम चाइल्ड कंपोनेंट के मेथड को एक्सेस कर रहे हैं। राइट, और इसी को हमने, जो यह मेथड बनाया, हमने इसको कॉल कर लिया अपने इस बटन के क्लिक पर। राइट, तो चलिए ब्राउजर में देखते हैं इसका इफेक्ट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दो बटन आ चुका है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेलकम टू सॉस ऑफ सॉल्यूशन यूजिंग व्यू चाइल्ड एग्जाम्पल। राइट, तो अब इसके बाद हम इस पर क्लिक करके देखेंगे। देखिए, ये इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पर डिक्रीज पर कॉल करेंगे, डिक्रीज हो रहा है। राइट, और ये इफेक्ट कहाँ से हो रहा है दोस्तों? आप ये चाइल्ड कंपोनेंट का मेथड यहाँ पर देखिए, दिस डॉट काउंट डॉस, दिस डॉट काउंट प्लस वन और दिस डॉट काउंट माइनस वन हो रहा है। राइट, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि हम कैसे यूज करते हैं व्यू चाइल्ड, और किस तरीके से चाइल्ड कंपोनेंट के मेथड या प्रॉपर्टीज को हम अपने पेरेंट कंपोनेंट पर एक्सेस कर लेते हैं। राइट, फिर भी आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन होगा दोस्तों तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, इसी तरह का इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।